अचीव किया है, और हम हमेशा रोते रहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारे लोग इस लाइफ में ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो ये उसका एक छोटा सा मतलब तीन, ऑब्वियसली किसी की ज़िंदगी को आप 3 घंटे में नहीं दिखा सकते हो, तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, इवन अपने माँ बाप की ज़िंदगी को भी उस 3 घंटों के फ्रेम में उतारा है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम इसका नेगेटिव ना देख के यहाँ से प्लस पॉइंट लें कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपने चीज़ों से मतलब फाइट करके हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या, आप बीती है, आप बीती की कहानी है। कंट्रोवर्सी तब होती है जब एक मौला जिसकी जो है इर्द गिर्द जो है ना कहीं भी आपको जो है ना पॉजिटिवनेस नहीं मिलती। हर इंसान जो दूसरा भी है उसको नेगेटिव देखता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिज़्ज़ा, आज भी पिज़्ज़ा वाला लेके पिज़्ज़ा नहीं आ रहा, वो ये बीते हुए ज़माने हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन आज भी पिज़्ज़ा वाले को डर लगता है कि इस मोहल्ले में नहीं जाना। तो अगर आप जो है ना, जो दो लोग देखते हैं फिल्मों से कोई सीखता तो नहीं है, जो माहौल होता है उसको फिल्म पर्दे पे लाया जाता है, एक आईने की तरह जो है ना सामने लाना है। अब उसमें किसको कितना समझ में आता है, वो ऑडियंस जो है अगर ये मजबूत होती है पकड़ने में कि आपकी जो सच्चाई जो है आपके दिमाग में बैठती है, तो ये लोगों को डर नहीं लगेगा, वरना जो डर है वो कायम ही रहेगा। तो इस तरह से जो है फिल्में आईने की तरह जो है सामने लोगों के पेश होती है, और इस तरह से सच्चाई दिखाना अपने तरीके से अपनी कहानी डाल के, ये मतलब कंट्रोवर्सी का विषय है ही नहीं। कंट्रोवर्सी होती तब है जब आप दूसरे को नेगेटिव दिखा के अपने को पॉजिटिव दिखाओ। हमको लोगों ने नेगेटिव किया, अब कैसे पॉजिटिव होंगे वो कहानी है। वोरा जी क्या कहेंगे आप इस फिल्म के बारे में, किस तरह से आप इसको प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, और आप लीगल एडवाइजर हैं कंपनी के? बहुत सारे फाइनेंस में लोगों ने अपना बैंक बताया, बैंक लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म के माध्यम से समाज को एक संदेश पहुँचने वाला है, और ऐसा तगड़ा संदेश पहुँचेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा भी होता है। मैं आपको बताऊं कि आप क्रॉफर्ड मार्केट से लेकर के सात रस्ता, ये पूरा मुस्लिम इलाका है, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं कि अगर रात में 2 बजे कोई लेडी अकेली क्रॉफर्ड मार्केट से लेकर के सात रस्ते तक जैकब संकट तक भी जाएगी, किसी की मजान नहीं है कि उसको छुए या उसको छेड़े। ये संदेश जा रहा है कि ये इतना बदनाम इलाका नहीं है कि जितने भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। इट इज़ द सेफेस्ट एरिया ऑफ मुंबई, और मलबार हिल कफ्बरेट भू विले वाले स्कीम के लोगों ने करोड़ों का घोटाला किया है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पर लोगों को लोन देने के लिए सरकार जो है ना कैसे कैसे रवैया अपनाती है, वो आप इस फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने इससे पहले गली गाइस, हम हैं गली गाइस के ऊपर काम किया, तो मेरे हिसाब से नाजमा आंटी और वसीम अंकल के प्यार के से बहुत ज़्यादा आगे आया था वो, मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको। मुंबई थ्री में कितनी तैयारी कर रहे हैं? मैंने मुंबई थ्री में बहुत तैयारी किया हूँ, मैं बहुत एनालाइज किया हूँ, 24 घंटे मैंने बैठ के एनालाइज किया हूँ। सोया कब? मैं टाइम निकाल के सो लिया बस बीच में। 24 घंटा कटी नहीं तो 24 घंटा हो जिस जगह पे मैं पैदा हुआ और वहीं जगह पे अंडरवर्ल्ड ने जन्म लिया, मेरे को वो जगह से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदुस्तान के संविधान में कहाँ लिखा है सच बोलना और सच दिखाना झूठ है, जुर्म है। मैं सब सामने पेश करूँगा, जब हिंदुस्तान के लोगों को करने में शर्म नहीं है तो मेरे को दिखाने में मैं क्यों शर्माऊँ। अपने पिछले जैसे कहा कि मेरे बहुत सारे न्यू कमर्स को लेके मैंने फिल्में बनाई है, एक और न्यू कमर को लेके अपना नवाब खान और मिशिका चौरसिया मिथुन चक्रवर्ती के साथ अनीता राज के साथ फिल्म बनाई है, जो आप पर्दे पे 24 नवंबर को आएगी। इट्स अ रोमांटिक इमोशनल, और जो इसके अंदर एक भाईचारा इंसानियत की जो मैसेज है उसके अंदर, कि आज जिस तरह से माहौल जो है देश में ख़राब चल रहा है, और किस तरह से एक पोजीशन जो है
जानबूझ के किस तरह से हिंदू मुस्लिम किए जा रहा है। तो ये पिक्चर में मेरा मिठुन चक्रवर्ती जो है एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जिसके अंदर मतलब एक बाप का रोल अदा कर रहा है, जो एक हिंदू लड़के का को अपनी बेटे की तरह मानता है और उस बेटे को जो है ना जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, जो उसको भी नहीं मालूम पड़ती है कि मेरा बाप जो है पढ़ रहा है। ये रिलेशनशिप और एक हिंदू मुस्लिम की जो दोस्ती, एक प्यार, एक मोहब्बत जो आज हमें दिखने को है बहुत लेकिन दिखाते कम, मतलब उसको भड़काते हैं ज़्यादा। तो ये एक तरीके से मैंने मतलब जो है इस फिल्म को बनाया। 25 साल पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी बाई बाई, जो इसी महीने में 14 नवंबर को, आज इसका जो 14 नवंबर को 25 साल पूरे हुए, वो भी ब्रदरहुड पे पिक्चर थी। दोनों हीरो, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, और दोनों का जो है रिलेशनशिप जो है ना एक भाईचारे का था, जिस तरह से मतलब एक कौमी सॉन्ग भी था, आँखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, उस तरह से ये 25 साल के बाद मेरी वही उसी महीने में मतलब एक हफ्ते बाद मतलब हिंदू मुस्लिम के भाईचारे और इंसानियत के नाते के एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, जो आज ज़रूरत है, जो एक डर पैदा किया गया है मुस्लिम कौम में कि भैया आपको जो है ना इस तरह से जो है ना हम हिंदू राज्य बनाएंगे, वो कम से कम एक रिलेशन देख के उन चीज़ों से हटके पड़े हटके एक फिल्म में आईना बन के लोग देखें और उसको अपना प्यार दें और इसमें लगे कि भी आज भी फिल्म इंडस्ट्री जो है ऐसी फिल्में नहीं बनाती जिसमें सिर्फ जो है मुस्लिम कैरेक्टर को नेगेटिव दिखा दो। मोस्टली क्या हो रहा है कि फिल्म के ज़रिए हर मुस्लिम को जो है टेररिस्ट माना जाता है, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये हर मुस्लिम जो है ना टेररिस्ट है, और शाहरुख खान ने इस पर पिक्चर भी बनाई थी मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। तो मतलब जो है एक इमेज जो है ना एक जो प्रोजेक्ट किया गया उस इमेज को तोड़ने के लिए ये फिल्म की जो कहानी है वो एक मैं अनारी इज़ बैक, जो एक सीधे साधे ऑनेस्ट आदमी की कहानी है जिसको साथ दे रहा है मिठुन चक्रवर्ती एज अ मुस्लिम अबू जान। थैंक यू। जैसे कि मैंने हिंदुस्तान को ये जो क्रेडिट है वो सबको जाता है। इसी तरह से कोई पहले आपने किया है? हाँ, मैंने काफी काम किया है, जैसे कुटुंब भाग्य क्राइम पे मैंने किया है। क्राइम में अभी मैंने एक शॉर्ट स्टोरी की थी जिस जो भ्रूण हत्या करता है और उसके बच्चों से लोग शादी नहीं, वो आपको मिल जाएगा। चलिए।